थोड़ा सा देखो नीचे स्किन को मैंने पकड़ा है, जब अप्लाई किया ना मैंने उस टाइम पे स्किन को पकड़ा है। इफ्रा जो तुम गलती कर रही हो, ये नहीं करना, मैं पहले भी तुम्हें बता रही थी, एक ही दफ़ा ये देखो दबा के और ये मैं लेकर चल रही हूँ, ये लेयर बारीक कर रही हूँ, बार 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 जब अरे इसके तो बाजू पे भी चली आ गई है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? मोबाइल ज़्यादा नहीं लाना, आते ना, मैंने कब मना किया है। ये देखिए जी, क्लीन शेव हो चुकी है। अच्छा अब तुम अच्छा ना के सामने ये देखो, अब ये बालों की डायरेक्शन है ये इस तरफ है, तो इसी तरह ही लगाऊंगी। मैंने दो बातें आपको पहले बताई है कि एक तो आपने बालों की डायरेक्शन को देखना है, ठीक है, कि बाल किस रुख पर है, और दूसरा जब आपकी स्ट्रिप या पेपर है जो भी है पैच, वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में उतारना है। ये देखें, ये समझ आ रही है ना? बस ये दो तीन बातों का ख्याल रखिएगा, स्किन को नीचे से टाइट रखिएगा। वो मुझे ना वो वाला पेपर दो यार, चलें जनाब, हो गया शुरू। ये देखो अब ये मैंने रखा, हल्का सा इसको प्रेस किया और ये चीख में वैसे यहाँ पे मॉडल की चीखें निकल रही हैं शदीद दर्द में। देखो ये नज़र आ रही है ना, क्योंकि इसका पहला पहला एक्सपीरियंस है, बैड ही रहा, कोई बात नहीं, अभी तो दूसरे बाजू के स्टूडेंट ने करनी है, फिर देखना क्या हाल बहुत अच्छी हो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैक्स पेपर में जब तक असर है इसको मैं यूज़ करती रहूँगी, जब मुझे लगेगा कि अब मुझे मज़ीद अप्लाई करनी है वैक्स तो फिर उसके बाद में करूँगी। नजर तो नहीं आ रहे इसमें, अच्छा बोल लेना आप, नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये सारे नीचे की तरफ। बस इतना सा कर लेना, तो बस अपनी चिल्लाना ये हुआ, हवा तो क्लियर आ रहा होगा ना, ये देखिए अब क्या था? बेहोश होने वाली हो गई।